कॉन्स्टेंटली वो रिमाइंड कराते रहते थे कि जी आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ये है वो है। तो वो भी हमने देखा कि जब आप एक डिक्टेटरशिप से, तो जब ज़ियाउल्लाह साहब का जहाज़ फटा और वो फौत हो गए, तो किस तरह फिर जब इलेक्शंस हुए और फिर बेनज़ीर साहिबा आई, तो ऐसे लगता था ओवरनाइट आपके मुल्क का जो है वो इमेज चेंज हो गया है कि जी अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर। We are four siblings. I'm number two in the family. But I was actually not raised by my parents. They were in Lahore. I was raised by my khala. So, आपको याद होगा 1982 में कई महीनों के लिए academic institutions बंद हो गई थी, colleges बंद हो गए थे, और उस वक्त थोड़ा सा बलूचिस्तान और इंटीरियर सिंध का मसला था। मेरे एक जानने वालों में, हम फैमिली एक्सटेंडेड फैमिली में, वो सीएसएस का इम्तिहान दे रहा था बच्चा, तो खाला ने कहा देखो वो भी सीएसएस का इम्तिहान दे रहा, तुम भी दे लो। सो आई सेड यार आर यू क्रेजी, सो आई सेड पीपल विल से यू नो द इतने बनते थे और यू नो तकरीरें करना, ट्रॉफियाँ लेना और सीएसएस में फेल हो गए, सो हाउ कैन आई टेक द सीएसएस एग्जाम ना। शी सेज नहीं 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 कोई नहीं कुछ कहता, तुम ले बैठी हो घर में तो देख लो कि होता कैसा है, अगले साल फिर जब कंप्लीट कर लोगे तैयारी कर ले, तीन चांसेस होते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो अच्छी बात है, ठीक है हम तीन चांसेस होते हैं। तो बिल्कुल आखिरी दिन जिस दिन वो सबमिट हो रहे थे, तो वो जाके मैंने फॉर्म वॉर्म भरे, तो जब रिजल्ट आया रिटन का, तो मुझे अभी तक याद है वो, क्योंकि हमारे यहाँ हर कोई जल्दी उठता था, तो सुबह सुबह वो हाला ने मुझे उठाया अखबार पढ़ने के, उठो उठो देखो तुम्हारा सीएसएस का रिटन का रिजल्ट आ गया, वो तो तुम तो पास होगे। अभी आई कुडंट बिलीव इट, आई सेड पता नहीं किस क्राइटेरिया में पर्चे देखते हैं कैसे पास हो गए। तो फिर मुझे एफपीएससी ने बुलाया और कहा कि आप क्यों, आपने सिर्फ यहाँ फॉरन सर्विस लिखा है। मैंने सिर्फ फॉरन सर्विस लिखी थी, मैं और किसी सर्विस में नहीं जाना चाह रही, क्योंकि डीएमजी का और फॉरेन सर्विस पुलिस तीन टॉप पे थी सर्विसेज, तो मेरा क्योंकि इंटरेस्ट और किसी में नहीं था। तो मुझे याद है जनरल थीकुर रहमान ने इंटरव्यू में भी मुझे बहुत कहा कि आपने सिर्फ एक सर्विस क्यों लिखी है, अगर आप ना पास हुई। तो मैंने कहा तो फिर नहीं ज्वाइन करेंगे। बड़ा उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की कि एक दो सर्विस और लिख दें, तो मैंने कहा मैंने ज्वाइन ही नहीं करना तो फिर मैं क्यों लिखूं। तो आई रिमेंबर हिज वर्ड्स, उन्होंने कहा यू आर आइदर ओवर कॉन्फिडेंट और स्टूपिड। एक्चुअली जो मेरी ओरिजिनल ऑप्शन थी वो रशियन की थी, लेकिन उस ज़माने में आपको याद होगा कि एक तो कम्युनिस्ट दौर था ईस्टर्न यूरोप में, सारा कम्युनिज्म था, सोवियत यूनियन तो था ही कम्युनिस्ट, और सबसे बड़ा ये था कि ऑलरेडी जिहाद चल रहा था, तो नेचुरली उस माहौल में फॉरेन ऑफिस उस ज़माने में तीन एरियाज थे जहाँ लेडी ऑफिसर्स को नहीं भेजते थे, कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में नहीं भेजते थे, बिकॉज नेचुरली वहाँ बहुत ज़्यादा फिर सर्वेलेंस होती थी, रहने की जो है सिक्योरिटी के भी इश्यूज थे, लिविंग कंडीशंस भी उस तरह कंड्यूसिव नहीं थी यंग लड़कियों के अकेले जाने की। तो एक अफ्रीका में, एक इधर, और एक मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में, उस वक्त गल्फ कंट्रीज़ या सऊदी अरेबिया वगैरह ख़वातीन नहीं जाती थी, बाकी सारी दुनिया में चली जाती। तो उन्होंने कहा नहीं जी रशियन तो नहीं आप ले सकती, तो फ्रेंच कर लें। तो फिर मेरी पहली पोस्टिंग जो है वो पेरिस में हो गई। एक तो फ्रांस की जो है 200 साल लिबरेशन की एनिवर्सरी थी, तो वो एक बहुत ही इंटरनेशनल और बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट था। और मुझे याद है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का वो सॉर्ट ऑफ पहला टर्म थी,
तो वो वाशिंगटन और लंदन के विज़िट के बाद फिर यहाँ आना था, और वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया, क्योंकि हुकूमत फ्रांस ने कहा था जी 8 बंदों से ज़्यादा का डेलीगेशन किसी का नहीं आएगा, क्योंकि पूरी दुनिया से उन्होंने पूरा जो पेरिस की म्यूनसिपल लिमिट्स हैं वो बंद कर दी थी। मुझे अभी तक याद है कि 160 के 170 लोगों का डेलीगेशन जो है वो वाशिंगटन और लंदन के बाद फिर वो पेरिस में भी लैंड कर गया, और वो जो लॉजिस्टिक्स उसके करने, 8 लोगों से ज़्यादा पेरिस के अंदर आ नहीं सकते थे, बाकी सबको पेरिस से बाहर ठहराना, फिर उनका इंतज़ाम करना, दैट आई थिंक दैट वॉज अ काइंड ऑफ चैलेंज जो मैंने फिर और किसी पोस्टिंग में नहीं देखा। हमारी जो रिप्रेजेंटेशन थी उसकी हाइप बहुत ज़्यादा थी फ्रांस में, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि हमने तो आँख ही खोली सर्विस में मार्शल लॉ के दौरान, तो ज़ियाउल हक का पीरियड था, और तो ऑल दो कि हम उस वक्त बड़े वेस्टर्न वर्ल्ड के लाडले थे, बिकॉज जिहाद में उनको हम सपोर्ट कर रहे थे, अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो रहा था उस वक्त अगेंस्ट द सोवियट्स, लेकिन उसके बावजूद एक वो आपको फीलिंग होती थी कि हम एक डिक्टेटोरियल कंट्री के वो हैं, कॉन्स्टेंटली वो रिमाइंड कराते रहते थे कि जी आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, ये है वो है, तो वो भी हमने देखा कि जब आप एक डिक्टेटरशिप से, तो जब ज़ियाउल हक साहब का जहाज़ पटा और वो फौत हो गए, तो किस तरह फिर जब इलेक्शंस हुए और फिर बेनज़ीर साहिबा आई, तो ऐसे लगता था ओवरनाइट आपके मुल्क का जो है वो इमेज चेंज हो गया है कि जी अब ये डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई है, फर्स्ट वुमन प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पे जो हमारा सूफी म्यूज़िक है उसका जो इंट्रोडक्शन हुआ वो उस ज़माने में हुआ। वहाँ पे हमने ऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये ट्रेडिशनल म्यूज़िक को बहुत सपोर्ट करते हैं और वो करते हैं, तो उनसे बात बात करके एम्बेसी ने बड़ी मेहनत लगी वो करने पे, तो हमने नुसरत फ़तेह अली साहब को बुलाया, और आपको याद होगा उन्होंने माइकल गैब्रियल के साथ शायद जो मिल के ज्वाइन करके वो अपना बनाया था वो बनाने जा रहे थे, तो हमने उनको कहा कि आप फ्रांस में रुके, और उनका वो सारा उस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया, तो पहली दफ़ा नुसरत फ़तेह अली साहब वहाँ आए, और पेरिस में वो मेयर के दफ्तर के सामने ही है थियात तलवील, तो द सिटी थिएटर बहुत बड़ा है, 5,000-6,000 लोगों की गुंजाइश है वहाँ बैठने की, तो उसमें मुझे याद है कि उन्होंने पहली दफ़ा वहाँ आके नुसरत फ़तेह अली साहब ने परफॉर्म किया, और हमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये फ्रांसीसियों को क्या हो गया, क्योंकि न सिर्फ ये कि वो 5,000 का भरा हुआ था, बीच की सीढ़ियाँ, आगे का फ्लोर सब पड़ा, और मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने अल्लाह हू से शुरू किया और लोग दीवाने हो गए दमादम मस्त कलंदर अली की पे जो है, तो वो जब उन्होंने किया पढ़ा, तो सारा थिएटर ना वो जैसे हाल में नहीं आ जाते, और हर कोई वो अल्लाह हू और अली अली, और ऐसे लगता था कि एक रात में नुसरत फ़तेह अली ने वो कर दिया जो शायद 40 साल के सिफारतखाने के एफर्ट से ज़्यादा है, जहाँ पब्लिक डिप्लोमेसी का। तो उस वक्त इंडोनेशिया तो जो था वो नैम का चेयरमैन था, नैम उस वक्त काफ़ी रेलेवेंट होती थी और काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, और उसके बाद उसने OIC का जो है चेयरमैन बनना था, और फिर आसियान का, तो 3 साल की मेरी पोस्टिंग में 3 चेयरमैनशिप्स जो हैं ये इंडोनेशिया को वन आफ्टर दी अदर आनी थी, तो दे थॉट कि मेरा क्योंकि मल्टीलैटरल का एक्सपीरियंस है तो इट वुड बी वेरी गुड, तो इस तरह मैं इंडोनेशिया चली गई, एंड इट वाज इसी ज़माने में फिर हम आसियान के सेक्टोरल पार्टनर भी बने। हमारा जो सारा पाकिस्तान एम्बेसी का स्टाफ था वो एक पर्टिकुलर एरिया था, वहाँ रहते थे, तो मुझे याद है एक दिन वो डेलीगेशन बना के मेरे पास आ गए, मैं नंबर 2 थी, एम्बेसडर
के पास उनको जाते हुए डर लगता था तो पहले मेरे पास है। कहते हैं मैडम देखें हमने आपसे एक बड़ी ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा जी डेलीगेशन लेके आए हैं ज़रूरी बात होगी फरमाइए। तो उन्होंने कहने के देखें जी ये इंडोनेशियंस तो बड़े अजीब लोग हैं, ये तो एहतराम ही नहीं करते किसी चीज़ का, एक तो ये वो यू नो जो लॉन्ग शॉर्ट्स होते हैं नीस तक क्योंकि गर्म मुल्क है तो वो कॉटन के वो उन्होंने लंबे लंबे पहने होते हैं कि जी उधर ही आते हैं और कलाम मजीद नमाज पढ़ने के बाद गर्मी होती है वहाँ से ऐसा होता है नेचुरली तो उधर ही वो जी सर के पे नीचे कुरान मजीद रखते हैं और उधर ही लेट के सो जाते हैं इधर टांगे उधर टांगे करके यू नो काबे की तरफ भी टांगे करके सो जाते। तो हमने पैसे जमा किए हैं तो हम चाहते हैं कि वो आप जाके इनसे बात करें मस्जिद के इमाम से कि जी हम यहाँ एक अलमारी बना देते हैं ना कि जिसमें आप ये कलाम मजीद रख, हमें बड़ा बुरा लगता है कि जी वो सर के नीचे रख के सो जाए। हम भी यंग थे उस वक्त, कहा था ये तो बड़ी गलत बात है। तो मैं भी चली गई उनके साथ, मैं चले मैं चलती हूँ। मैं गई वो मौलाना साहब ने हमें बड़े तहमुल, उनके यहाँ कोई ये रुकावट नहीं है कि औरत मस्जिद में नहीं जा सकती है क्या, उन्होंने बड़े तहमुल से मेरी बात बात सुनी और फिर कहने लगे कि देखें कुरान का मतलब है खबर और ये न्यूज़ और ये खबर अल्लाह ताला ने इंसानों की तरफ भेजी है नबी के थ्रू और ये हिदायत की किताब है, ये बेसिकली एक लॉ की किताब है, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने कहा इसको पढ़ो, इसको पढ़ के समझो, तो आप पढ़ें समझें, हम तो पढ़ते भी हैं समझते भी हैं सर के नीचे भी रख लेते हैं, आप लोग तो इसको ना पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो समझते नहीं हैं। हमने तो इसको इंडोनेशियन में ट्रांसलेशन की हुई है और रोमन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। तो हर बच्चा और उनके यहाँ 100% लिटरेसी है तो उनका हर बच्चा उठा के उसको इंडोनेशियन और रोमन में पढ़ता है, तलफ़ भी बिल्कुल ठीक है साथ मीनिंग भी। हम तो हर अपने बच्चे को तर्जमे के साथ पढ़ाते हैं ताकि समझ आए कि क्या पढ़ रहा है, आप लोग तो उसको सजाते हैं फिर उसको खूबसूरत से गिलाफों में ले के तो अलमारियों में रख देते हैं। कुरान हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और ये हिदायत की किताब है, ये कानून की किताब है, इसे पढ़िए। भाई मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई, बट पोलिटिकली टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैपेंड ड्यूरिंग माय पोस्टिंग टू डेनमार्क। वन वाज द न्यूक्लियर टेस्ट। I know the kind of pressure that came, particularly, you know, at that time when you were in the West who were against us, you know, conducting the tests, and how then sanctions were slapped on us. They weren't slapped on India, but they were slapped on us. And the country was going through a very difficult financial crunch bhi tha and because of this. And it was very, very instructive to see what double standards the West has. Because India conducted, then we conducted. But the kind of pressure that came on Pakistan was not the pressure that came on India. So you saw the double-faced policy and double standards of the... But that was a very, very difficult time, again, of being on the back foot and trying to defend your country's position against very hostile kind of an attitude of the Europeans and the Americans at that time. In Denmark, we were also accredited to Lithuania. We didn't have a separate embassy in Lithuania, so we were accredited to Lithuania. So when Mr. Salman Bashir came, 2 months after he came, he had to go to present credentials to Lithuania. He left his younger daughter. The youngest daughter was about 2 years older than my daughter, very, very good friends with us. And the husband and wife went to present the credentials. And while they were mid-year, we had the Musharraf coup in Pakistan. So the ambassador was from, you know, traveling from one country to another to present credentials, and we had the coup. And there were no mobile phones at that time, you know. And so then getting that message across to the ambassador so that he doesn't get embarrassed when he reaches there ke ji wo host country unko bata rahi hai ki aapka to takhta ulat gaya udhar hukumat ko credentials kisko denge. So that was very difficult how we then managed to send him the message through the chauffeur that was going to pick
him up to tell him to call me immediately as he got there. I didn't even want to sort of alarm him because his daughter was with us, ke God forbid, you know, ek hota hai ke bhi bache ko to kuch nahi ho. So I had to send a very subtle message that it is something official, please call me. And I told him, I said, this is what has happened. So now you are going to go to the Foreign Office after landing there. So I thought you should know that there is no government. And आपको याद होगा उस वक्त काफ़ी कन्फ्यूजन था whether the president would also go or not, क्योंकि हुकूमत के जाने से credentials पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता because ambassadors are not appointed by the prime minister. Ambassador is appointed by the president and he represents the state. Being from a family जो जिनका पढ़ने लिखने से काफ़ी ताल्लुक है, international relations से काफ़ी ताल्लुक रहा, I should have expected what I saw in China. लेकिन मेरे जहन में वही था जो 50s-60s का चाइना था, जिस जो हम देख के बड़े हुए थे कि जी, हालांकि मुझे पता था चाइना काफ़ी चेंज हो गया है, बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन somehow psychologically and mentally मेरे जहन में यही था कि बहुत सारी साइकिलें होंगी और वो माँ वाली यूनिफॉर्म होगी और यू नो स्टिल कम्युनिस्ट लाल किताब लेके लोग फिर रहे होंगे. एंड व्हेन आई लैंडेड देयर I was so embarrassed at the lack of my own understanding, you know. It was a world, totally different world, you know, completely different world. You land at the airport and you realize that your thinking was wrong. So, although SARS se hi abhi wo nikal rahe the, this was a world that I wasn't expecting. It actually took me 3 months to wrap my head around at what was happening in China. It was a country on the march, opening up, developing. ये 2005 का जो जलजला आया था, मैंने मुझे अभी तक याद है कि प्रेसिडेंट मुशर्रफ का विज़िट होने वाला था और मैं छुट्टी का दिन था, सैटरडे या संडे था, तो मैं सुबह अपने ऑफिस में ही काम कर रही थी. एक दो ऑफिसर्स और आए थे, एम्बेसडर आए थे, तो हम विज़िट पे ही काम कर रहे थे, तो टीवी लगा हुआ था, तो वो PTV पे वो एकदम से आया और सामने हमने देखा कि जलजला आया. एंड आई टेल यू, I ran to the ambassador's office and I said, TV खोले, you know. और उस वक्त हम अभी समझने ही की कोशिश कर रहे थे, तो चीनी एम्बेसी से मुझे फ़ोन आ गया. वो हमेशा डिप्टी हेड ऑफ मिशन को फ़ोन करते हैं जब एम्बेसडर से बात करनी हो या कुछ, एज अ कर्टेसी वो एम्बेसडर को इतना बॉदर नहीं करते हैं, बहुत ज़रूरी हो तो फिर वो कहते हैं जी आप ज़रा आ जाएं. उनका इमीजिएटली मुझे फ़ोन आया कि जी ये है एंड वी वांट टू शेयर इन्फॉर्मेशन. हमने भी हमारे, उनके तो सैटेलाइट्स हैं, तो कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है क्या, और आर प्लेन्स आर रेडी टू टेक ऑफ एट 4 o'clock. सुबह जलजला आया है, हम और उस वक्त चार, हम उनसे हालांकि पाकिस्तान से 3 घंटे आगे हैं, फिर भी उन्होंने बाय 4 o'clock बोथ द एम्बेसडर एंड मायसेल्फ एट द एयरपोर्ट, क्योंकि उन्होंने फौरन दो जहाज़ उसी दिन 8 के भेज दिए. और उसके बाद 1 महीने तक हर रोज़ हम जाते थे, जो टीम वापस आ रही होती थी उसे रिसीव करने, और हर रोज़ हम प्लेन्स को, बिल्कुल ऐसे लगता था कि एयर ब्रिज जो है वो बना हुआ है. और हमारी एम्बेसी में ऐसा कंपनीज़ का और जनरल पब्लिक का, ऑर्गेनाइजेशंस का ऐसे रश पड़ा होता था ना टू मेक डोनेशंस in kind and in you know with money. मुझे याद है कि you know Chinese, ordinary Chinese, वो नीचे आते थे reception पे, तो हमने एक special desk वहाँ बना दिया था क्योंकि we wanted के bank में सारी चीज़ें directly हों, तो हमने एक representative भी वहाँ बिठाया होता था. तो ऐसे बाजू का ताकि अपना पर्स खोल के उल्टा कर देते थे कि जितना पैसा है ये आप पाकिस्तानी फ्लड विक्टिम्स को दे दें. और आपको याद होगा उस ज़माने में सबसे ज़्यादा जो अप्रिशिएट हुआ था वो चाइनीज़ डॉक्टर्स की टीम्स अप्रिशिएट हुई थी. क्यों? जो आप कल्चरल बात कर रही थी, बिकॉज दे वर वेरी सेंसिटिव टू आर कल्चरल सेंसिटिविटीज़. सो दे हैड इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स एंड दे हैड इक्वल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल नर्सिंग स्टाफ, बिकॉज दे नो दैट आर वेमेन डोंट नॉट लाइक टू बी एग्जामिन्ड बाय मेल डॉक्टर्स. सो इसको कहते हैं कल्चरल सेंसिटिविटी एंड रिस्पेक्ट फॉर द अदर कल्चर. जब मैं गई चीन इस दफा सेकेंड टाइम, कोविड से पहले के जो
6-8 महीने थे, उसमें मैंने देखा कि पब्लिक लेवल पे स्टोर्स में, वो सैलॉन्स में, हर जगह या वेस्टर्न म्यूज़िक था या इंडियन म्यूज़िक था, और बड़ा इंडिया का और ये वेस्टर्न का बड़ा एक ट्रेंड सा था। पाकिस्तानियों का तो है एक ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप, वो वहाँ थी, अभी भी कुछ लोग कहते थे हाँ पाकिस्तान हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है, लेकिन एक वो डिबेट चल रही थी इंडिया पाकिस्तान वेस्ट के, उस पर यू कुड फील इट। फिर कोविड आ गया, कोविड आ गया तो क्या हुआ, कोविड आ गया एकदम से सारी चीज़ें बंद हो गई। पाकिस्तान तो पीपीज जो है प्रोटेक्टिव गेयर नहीं बनाता, लेकिन हमारे पास भी जो पहला था वो ने चीन वीन से ही ख़रीदा हुआ था, लेकिन जितना स्टॉक हमारे पास था हमने सारा भेज दिया। दूसरा हमने बहुत, वो भी एक बड़ा डिफ़िकल्ट टाइम था, बहुत ही ज़्यादा गवर्नमेंट पे प्रेशर था कि जी हम अपने स्टूडेंट्स को वहाँ से निकाल लें, वुहान से। 38,000 तो हम नहीं निकाल सकते, लेकिन 1,300 वुहान में थे जो एपी सेंटर था कोविड का, और वो बिल्कुल ऐसे उस वक्त लग रहा था कि ये जैसे आपको डेथ सेंटेंस में डाला हुआ है कि जी ये तो सेल है, इसमें से तो कोई बच के निकलेगा नहीं, ये कंडेम्ड है जैसे, मतलब लोगों का इम्प्रेशन जो बाहर लोग थे उनका ये था। तो उस वक्त एम्बेसी का और एम्बेसडर का बड़ा फर्म स्टैंड लेना कि जी आप एक चिड़िया का बच्चा भी पाकिस्तानी यहाँ से ना निकालें, बिकॉज ये गलत पॉलिटिकल डिसीजन होगा। क्योंकि उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त ये हुआ कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी, इंडिया और इंडिया के जो इन्फ्लुएंस में लोग थे और अमेरिका और वेस्ट के इन्फ्लुएंस में, दे थॉट कि जी दिस इज़ अ वेरी बैड पेंडेमिक एंड इट हैज स्टार्टेड इन चाइना, एंड चाइनाज पोलिटिकल सिस्टम एंड इट्स इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स गवर्नेंस सिस्टम एंड इट्स कम्युनिस्ट पार्टी विल कोलैप्स अंडर दिस सिस्टम, सो दे आर गोइंग डाउन। वो है ना गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो वाली बात, सो लेट्स पुट मोर प्रेशर। सो अमेरिका ने भी आपने देखा कि ट्रेड वॉर शुरू कर दी, यूरोप ने भी ट्रेड वॉर शुरू कर दी, वो उधर से गुलवान पे चढ़ाई कर दी उन्होंने इंडियंस ने, फिर मारपीट उनकी खूब हुई तो फिर मुँह काला करके वो पीछे हुए। तो ये सारा जो है ये प्रेशर बिल्डअप हो रहा था चीन पे कि चीन को आइसोलेट करें और चीन की जो राइज है उसको किसी तरह स्टेम करें, दे कांट स्टॉप इट, बट द अटेम्प्ट वॉज टू ट्राई एंड दे थॉट दिस वॉज द बेस्ट पॉसिबल टाइम, द कंट्री वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, सो लेट्स पंच द मो सो दैट दे डोंट एवर गेट अप अगेन, बट दे वर रॉन्ग बिकॉज सो उसमें अगर हम भी उसी लाइन में जाके खड़े हो जाते तो हम में और बाकियों में फिर क्या फ़र्क रहेगा। इस कदर का प्रेशर था गवर्नमेंट पे, और रोज़ मुझे दिन रुपए शाम रात को 2-3 बजे मिनिस्टर्स के सबके फ़ोन आ रहे थे हर इदारे से कि मैडम आर यू श्योर आपको नहीं पता यहाँ कितना प्रेशर है। पर सो मेरा उस वक्त एक ही स्टैंड था कि हमें सारी ज़िंदगी किस चीज़ के लिए तैयार किया गया है, प्रेशर बर्दाश्त करने के लिए तैयार गए हैं ना, डिप्लोमेट्स तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। बच्चों के लिए जाहिर सी बात है बहुत डिस्टर्बेंस होती है, जिस तरह मेरी बच्चियां अब मुझे कहती हैं कि आप कहती हैं वो हमारे स्कूल की दोस्त है, तो स्कूल की दोस्त का मतलब है कि वो आपकी प्री के जी से लेकर तक आपकी दोस्त रहीं, सो यू कैन रिलेट टू हर। कॉलेज में आप गए, एक ही कॉलेज में गए, सो आपकी कॉलेज फ्रेंड्स है, सो व्हेन यू कम टू पाकिस्तान यू हैव अ होल नेटवर्क ऑफ नॉट ओनली कॉलेज फ्रेंड्स एंड स्कूल फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, अदर फ्रेंड्स दैट यू मीट थ्रू फ्रेंड्स, तो वो जो नेटवर्क है वो नेचुरली डिप्लोमेट्स के बच्चे वो नेटवर्क मिस करते हैं जब आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी जब स्कूल में आते हैं तो मैंने तो ये बहुत कॉन्शियस डिसीजन लिया था कि मेरे बच्चों ने जब स्कूल यहाँ पाकिस्तान में आके शुरू किया तो छोटे छोटे थे, मेरी बड़ी बेटी क्लास 2 में थी और छोटी प्री के जी में थी, तो मैंने उन्हें हेड स्टार्ट में भेजा था बिकॉज नाज़नीन वॉज अ फ्रेंड। तो मैंने फिर जितनी दफ़ा भी 3 दफ़ा दोबारा मैं पाकिस्तान आई अपने करियर में, तो मैंने हर दफ़ा बच्चे हेड स्टार्ट में भेजे, और हर दफ़ा वो उन्हीं क्योंकि क्लास में जाते थे तो उनका थोड़ा सा एक नेटवर्क जो है वो बन गया। Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.